मधुमक्खी पालन की इस प्रक्रिया को हम इस वीडियो को लंबा होने के कारण हमने 3 भागों में बनाया है। ये पार्ट 1 है और इस मधुमक्खी पालन को पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझना है तो आपको हमारे तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट को जरूर देखें। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार, हमारे इस हाथ में जो है मधुमक्खी का छत्ता है, रियल छत्ता है। इसके अंदर जो है रसीले जो है हनी भरे हुए हैं, शहद भरा हुआ है और यह है भी शहद है जो इसमें से शहद जब आप मधुमक्खी के छत्ते से निकाल के इस तरह से बॉटल में भर देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो नमस्कार, लैब एट होम यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप मधुमक्खी का पालन कैसे करते हैं और अगर आप चाहो तो अपने यूज के लिए, अपने साल भर यूज के लिए आप शुद्ध शहद कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहो मधुमक्खी पालन का एक छोटा सा व्यवसाय अपने लिए शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहो अपने लिए और दूसरों के लिए एक छोटा सा रोजगार पैदा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमक्खी में कितने गुण है, अगर इसके गुण का मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सभी लोग जानते ही हो। ठीक है, मोटा मोटा आप इसको समझ लो कि मधुमक्खी की शहद की जो तुलना जो है अमृत से किया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप सबको जो है मधुमक्खी का पालन का एक तरीका बताएं जिससे कि आप इस तरीके से आप अपने लिए और दूसरे के लिए भी हनी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हनी का जानते हैं कि इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसमें जो सर्दी खांसी जुकाम और दवाइयों में, कई प्रकार की दवाइयों में, खाने में, चाय कॉफी में यूज किया ही जाता है। साथ में इसको रिसर्च में इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिजिक्स में विस्कोसिटी और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है रिसर्च के लिए और साथ में केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जैसे कि फर्मेंटेशन। और ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है और इसके अंदर एक ऐसा गुण होता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का जीवाणु विषाणु पैदा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका कंटेंट, इसका मतलब इस नेचर ने इतना अच्छा बनाया है इसको कि एक मधुमक्खी जो है अपने परिश्रम से कैसे इतने अच्छे एक अमृत कैसे बना देती है। और केमिस्ट्री में इसका स्टडी जो है फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। एसिडिटी बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर होता है और इसमें कुछ ऐसे इतने गुण हैं कि जिसके वजह से में किसी प्रकार का कीटाणु का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। आप चाहो तो दुनिया का सबसे पुराना फर्मेंटेड कोई स्टफ इस दुनिया में कोई है तो बस हनी है। इसको 100 साल, 200, 300, 400 साल तक आराम से रख सकते, कभी खराब नहीं होगा है होता है। और साथ में बेसिकली इसमें जो है सुक्रोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर ही होता है और साथ में इसमें बहुत से ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जिसके जो इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। अगर आप मधुमक्खी पालन करना शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप शहर में या गांव में कोई भी हो, अगर आप मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है बॉक्स, लकड़ी का एक बॉक्स। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स दिखाता हूं। मैं तो मधुमक्खी पालन का पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको पीपल का पेड़ यहां मिले वहां पे चढ़ जाइए, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के ले आइए घर पे, वहां से हनी निकाल लीजिए। पानी का टंकी मिले उस पर चढ़ जाइए, पानी का और छत्ता तोड़ के ले आइए, उससे हनी निकाल लीजिए। नहीं, ये कतई मत कीजिएगा। नंबर 1 आपको चाहिए बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स। तो ये है लकड़ी का बॉक्स, ठीक है। अरे मान लीजिए कि लकड़ी का बॉक्स ही है, जैसे आप मान लेते हो ना रामू का उम्र 1 वर्ष और श्यामू का उम्र जो है 6 वर्ष है, बीस गणित में आपने बहुत माना होगा, उसी तरह से आप मान लीजिए कि लकड़ी का एक जो है डिब्बा है, ठीक है। इसमें लकड़ी का जो डिब्बा होता है दरअसल में 1-2 इंच मोटी होती है, ये चारों तरफ से होता है, नीचे से इस तरह से बंद होते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन के लिए जो बॉक्स आता है वो बॉक्स चाहो आप खुद बना सकते हो, जैसे अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दूसरा चीज, अब बना बनाया आता है आप उसको 3,000 से 4,000 रुपए में खरीद सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बना बनाया वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए। अब इसके ऊपर चाहिए फ्रेम, फ्रेम कुछ इस तरह से दिखता है, ये भी लकड़ी का है। अरे मान लीजिए कि ये भी लकड़ी का ही है, ठीक है। ये फ्रेम क्या होता है कि आप इस तरह से यहां पर रख देते हैं, ठीक है। तो जब आप फ्रेम रखते हैं तो मधुमक्खियां जो है यहां पर अपना छत्ता बनाती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने एक फ्रेम रखा और उसी तरह से हमारे पास और भी फ्रेम है तो 2 फ्रेम रखा और 3 फ्रेम रखा, इस तरह से आप 8 से 10 फ्रेम इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आप दूसरा बॉक्स रख लो, एक तरह से ये भी लकड़ी का बॉक्स है, आप इस बॉक्स को आप इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आप फिर से जो है फ्रेम रख दीजिए और 8 से 10 जो भी आपको रखना है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये फ्रेम है, मान लीजिए ये हमने फ्रेम रख दिया, एक हमारे पास ये दूसरा फ्रेम है, जैसे मान लो कि 2 फ्रेम है हमारे पास, ये 2 मैंने फ्रेम रख दिया। अब इसके ऊपर आप चाहो तो तीसरा फ्रेम भी रख सकते हैं, तो तीसरा डिब्बा भी इस तरह से रख देते हैं। डिब्बा हमेशा देखिए दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, इस तरह से आप रख दीजिए, ठीक है। 3 लेयर हो गए हैं
इतना हाइट पर्याप्त है। जनरली एक मधुमक्खी के बॉक्स में 3 से 4 लेयर होते हैं और इतना जो साइज है इतना पर्याप्त होता है। ठीक है, अब सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि ये खुला हुआ है, तो इसको जो है जैसे पानी वानी बरसेगा तो अंदर पानी जाएगा, तो उसको जो है इसको कवर करने के लिए एक लकड़ी का अलग से टुकड़ा आप ऊपर से इसे ढक दीजिए। बस बॉक्स हो गया आपका तैयार। ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बॉक्स आप आसानी से घर पे बना सकते हो। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो आप लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जिससे जो है मधुमक्खी उसमें आना पसंद नहीं करती हैं, तो जैसे आम का है, महुआ का, पीपल का है, इस टाइप के जो लकड़ियां होती हैं उससे आप बॉक्स आसानी से बना सकते हैं, वो अच्छा होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि बना बनाया अगर आपको बॉक्स अगर मिल जाए तो कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप छोटा मोटा एक शुरुआत करना चाहते हैं तो कम से कम एक बॉक्स से शुरुआत कर सकते हैं, और बॉक्स आप चाहे जैसा कि मैंने बताया चाहे बना सकते हो या तो आप बना बनाया खरीद सकते हैं। मार्केट में जो है इंडिया में जो है 3 से 4 हजार रुपए के एक बॉक्स आता है, तो मैंने एक उसका एक छोटा सा रूप, छोटा सा प्रारूप मैंने खरीद लिया है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूं किसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए, ये फ्रेम बन गया है जैसे जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो इस तरह से देखिए इसमें 3 फ्रेम है। इस तरह से देखिए ये जो है ये बॉक्स इक्विवेलेंट टू दिस बॉक्स है, सिर्फ साइज में छोटा है इसकी। तो इस तरह से देखिए हमने जो है 3 फ्रेम बनाए थे, 3 फ्रेम बना लिए हैं, तो तीनों फ्रेम को हम इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने फ्रेम लगा दिया है। अब हमको हमारे पास एक और है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है कि जैसे कि मधुमक्खी की जब एंट्री होती है हमेशा इस दिशा में होती है, जैसे एक देखिए छोटा सा एक जो है होल बना हुआ है, उसी प्रकार से आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा होल बना के रखा हुआ है। तो मधुमक्खी की जब एंट्री होती है किसी भी छत्ते में या किसी भी बॉक्स में, तो इतने बड़े बॉक्स में जब एंट्री होती है वो हमेशा नीचे से ही होती है। ठीक है, मधुमक्खी की एंट्री नीचे से होती है, उसी प्रकार से इसमें भी मधुमक्खी की एंट्री नीचे से होती है। ये है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या होता है कि मधुमक्खी की एंट्री इधर से होती है, साथ में जब कभी अगर आधी तूफान या कुछ भी आता है तो इसके अंदर बॉक्स में कोई धूल मिट्टी ना जाए, इसके लिए जो है यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे तो जब भी यहाँ से सिर्फ एयर जाएगा तो यहाँ से फिल्टर होकर बड़ी चीजें अंदर नहीं जाएंगी। जिस प्रकार से हमने ये फ्रेम बना रखा था, मधुमक्खी जो है अपना छत्ता यहाँ पे लगाती है, उसी प्रकार से इसमें जो है मधुमक्खी इसे यहाँ पे छत्ता बना लेंगी। ठीक है, ये बॉक्स ठीक वैसा ही काम करेगा जैसा ये काम करेगा, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं, इसमें भी मधुमक्खी आएगी इसमें भी मधुमक्खी आएगी। अंतर सिर्फ यही है कि इसमें जो है साइज कम है, जाहिर सी बात है इसमें मधुमक्खी का उत्पादन बहुत कम होगा। तो ये मैंने आपको जो है दिखाने के लिए लाया था। अब देखिए बचा है क्या है कि यहाँ पे एक देख सकते होंगे छोटा सा एक गड्ढा बना हुआ है, इसमें आप इनको खाने पीने के लिए कुछ खाना यहाँ रख सकते हैं, उसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा क्या है वो। और साथ में देखेंगे कि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर में क्या है कि साइज है, जो रानी मधुमक्खी होती कभी इधर कूद ना जाए, इस वजह से इसको रोकने के लिए यहाँ पे इसको जो है बनाया गया है, सिर्फ वर्कर्स इधर उधर जा सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ढक दिया है। अगला प्रश्न यह है कि अब इसको जो है गार्डन में रखना है कहीं बाहर ले जाके। ठीक है, तो आप इतना ध्यान दें कि बॉक्स को जब भी आप रखें तो कम से कम 6 इंच की ऊंचाई होना चाहिए। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जो है मधुमक्खी की एंट्री एरिया है, इसका भी और इसका भी, ये भी देखिए यहाँ पे एक एंट्री एरिया छेद बना हुआ है, तो दोनों का सबका दिशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस एरिया में कोई किसी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए, जैसे वॉल नहीं होना चाहिए, पेड़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो मधुमक्खी क्या करती है, जब यहाँ से उड़ती हैं तो यहाँ पे जैसे हम प्लेन जो है रैंप लेता है ना, उस तरह से वो भी रैंप लेती हैं, तो उनको जो है जगह होना चाहिए उड़ने के लिए, इसलिए जो है कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आसपास आपने अगर आप इस तरह से वो करते हैं तो आप फुलवारी लगा सकते हैं, कई प्रकार के फूल लगा सकते हैं। बॉक्स को आप रखने के लिए आप किसी गार्डन में या फुलवारी में रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए आपको अलग से फुलवारी लगाएं, क्योंकि मधुमक्खी कम से कम 1 से 2 किलोमीटर उड़ उड़ के जो है जा करके फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके ले आती हैं। ठीक है, और अगर आप सचमुच में इसमें व्यवसाय करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको फुलवारी लगाना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपके पास शहर में है अगर और आपके पास जगह नहीं है फुलवारी लगाने का, तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है कि आपके नज़दीकी गांव में जाना है और उनसे बोलना है कि भैया आपके बगीचे में मुझे 2-3 बॉक्स रखने हैं,
ठीक है, आप उसको कुछ पैसे दे दीजिए, जो उसके रख रखाव का जो पैसा होता है वो आपको पैसा ले लेगा। प्लस अगर आप सही में व्यवसाय करना चाहते हैं तो कम से कम 50, 10, 15, 20 बॉक्स जो है किसी गार्डन में ले जाकर, किसी जहाँ पे कोई जहाँ पे फूलों का खेती होता है उनके यहाँ रख के आइए, और उनको आप भी आप अपना उसका जो रेंट, वो जब आप रखने जाएंगे तो आपसे रेंट मांगेगा पैसा कि कम से कम 50 बॉक्स का 3,000 जो भी होता है चार्ज वो आपसे मांगेगा। तो आप वहाँ पे रख के चले आइए, तो बीच बीच में आप वहाँ पे देख रेख करते रहिए, बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो ज़्यादातर जो भी व्यवसाय लोग करते हैं वो अपने घर पे बॉक्स नहीं रखते, वो ज़्यादातर पूरे इंडिया में घूम घूम करके कि फला यहाँ पे बहुत बढ़िया गार्डन है, फला के यहाँ गार्डन है, उनके यहाँ ले जा करके ट्रक पे गाड़ी पर रख के ले जाके बॉक्स वहाँ पे उतार के उनके गार्डन में रख देते हैं, बस सिंपल। तो आप भी वही कर सकते हैं। तो हमने जो है बॉक्स को गार्डन में ले जा कर रख दिया है, हम बाद में जाके चेक करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि उसमें मधुमक्खी आएगी कैसे, ठीक है? उसके तीन तरीके हैं, ठीक है? नंबर वन, नेचुरल तरीका, आप उसको बाहर बॉक्स को बाहर छोड़ दो, मधुमक्खी अपने आप आएंगे उसमें, अंदर बैठ जाएंगे और धीरे धीरे वो छत्ता बनाना शुरू कर देंगी। उसके देखो फायदे और नुकसान क्या है। फायदा यह है कि आपको फ्री में मिल जाएगा, नुकसान यह है कि कब आएगा कुछ पता नहीं, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, और कभी कभी ऐसी मधुमक्खी आ जाती है जो कि आप नहीं चाहते हो कुछ टाइप की प्रजाति हमारे हम मधुमक्खी का पालन करें, तो आप नहीं चाहोगे, तो इसलिए आपको दूसरा तरीका है, इसलिए आपको पहला तरीका सेफ नहीं है। जो दूसरा तरीका है कि आप स्वार्म को खरीद लो। स्वार्म क्या होता है कि जो मधुमक्खी पालन जो करते हैं लोग वो स्वार्म बेचते हैं। स्वार्म क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 10,000-20,000 मधुमक्खियों का एक झुंड होता है, वो झुंड आपको बेच देंगे कि इतने पैसे का है आप अपना लेकर के, आप वो पूरा झुंड मधुमक्खियों को लेकर के अपने बॉक्स के अंदर ले जाकर रख दीजिए। तो वो जो है मधुमक्खियां जो है जो जितने भी वर्कर्स होते हैं जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं धीरे धीरे उसमें से किसी एक को रानी चुन लेंगे और उसको जो है स्पेशल केयर देना शुरू कर देते हैं कि आज से तुम रानी हो, ठीक है, प्रिंसेस तो क्वीन, आज से तुम क्वीन हो, और उसको जो है स्पेशल फीडिंग करते हैं, बहुत स्पेशल टाइप का खाना दिया जाता है, उसको रॉयल जेली बोलते हैं। फिर वो खाते खाते एक जो है वर्कर जो है फीमेल बन जाता है, फीमेल बनने के बाद वो अंडा देना शुरू कर देती है, फिर उसी अंडे से उनका जो है जनरेशन शुरू हो जाता है। इस प्रकार से वहां पे जो है मधु का निर्माण भी, मधु का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है, ठीक है। जो तीसरा तरीका है वो है न्यूक्लियस हाइव खरीदना। न्यूक्लियस हाइव क्या होता है कि एक तरह से ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं न्यूक्लियस हाइव बनाने के लिए ही है। तो इस तरह से जो फ्रेम होता है, फ्रेम में मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, इसमें ढेर सारे वर्कर होंगे, और इस पूरे डिब्बे में कोई एक जो है क्वीन रानी मधुमक्खी होगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो जब भी आप हाइव न्यूक्लियस हाइव खरीदते हैं तो एक पूरा डिब्बा ही उठा आपको दे देंगे, और उसमें जो है पूरा फ्रेम निकाल करके आपको जो है सारी मधुमक्खियों को अपने डिब्बे में डाल दीजिए। साथ में तो जो रानी मधुमक्खी होती है उसको भी आप निकाल के आराम से ले जा करके अपने बड़े वाले बॉक्स के अंदर रख दीजिए। तो इस तरह से जो है तीसरे नंबर से भी इस तरह से जो है वो धीरे धीरे उस बॉक्स को अडॉप्ट कर लेंगे, उसमें जो भी मधुमक्खी का जो लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आपको जो है मधुमक्खी का लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर आप सही में मधुमक्खी का पालन अगर करना चाहते हैं तो ये सब चीज जानना आपके लिए जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर छत्ता में सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है, वही अंडे देती है, ठीक है। फिर वो अंडे देगी, है ना, अंडा जो है ये जो है चावल के दाने के बराबर साइज का होता है, ठीक है। इसके बाद अंडा जो है इस आकार में प्यूपा में चेंज हो जाता है, जो प्यूपा का आकार जो है ये मैंने आटे का बना के रखा हुआ है, कुछ इस तरह से होता है। जो है मधुमक्खी का छत्ता होता है इस तरह से, इस तरह से जो है ये लार्वा उसके अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। एक से लार्वा में बनने तक 10 दिन का समय लगता है, ठीक है, और लार्वा से फिर एडल्ट बनने में इसको 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो लगभग 20-25 दिन में इसकी लाइफ साइकिल जो है पूरी हो जाती है, ठीक है। जब रानी मधुमक्खी अंडे देती है तो अंडे दो प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइज एक और अनफर्टिलाइज एक। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो जब भी इनको मधुमक्खी को प्रजनन करना होता है तो ये जो है हवा में उड़ती हैं ग्रुप में, ठीक है। उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है और ढेर सारे जो है मेल मधुमक्खी होती है उनके साथ। तो हवा में ही मेल मधुमक्खी अपने स्पर्म को डोनेट करके मादा मधुमक्खी के स्पर्मेथिका में डाल देता है। जब ये डाल देता है तो फिर मधुमक्खी अपना वापस आती है छत्ते में बैठती है, फिर उसमें से धीरे से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जब वो अंडे देती है रानी मधुमक्खी तो उसमें कुछ अंडे जो है अनफर्टिलाइज होते हैं, जिसमें स्पर्म नहीं पहुंचा रहता है, और जिसमें स्पर्म पहुंचा रहता है वो जो है एक फर्टिलाइज हो जाता है। तो दो प्रकार के अंडे देती है रानी मधुमक्खी। तो बायोलॉजिक हिसाब से इसके इस पर दो गुणसूत्र है पेयर में, इसको जो है सिंगल एयन, इसमें 1 एयन गुणसूत्र है, ठीक है। ये है इसको हैप्लॉयड बोलते हैं, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो जो हैप्लॉयड होते हैं वो आगे चल के इसमें जो है मेल बन जाते हैं, ठीक है,
और जो जो डिप्लॉयड होते हैं इसमें दो वो सारे फीमेल ही होते हैं, और उसमें ज्यादातर वर्कर बन जाते हैं और बाद में उसी में क्वीन बनती हैं। ठीक है, तो चूंकि एक एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन हो सकती है, प्यूपा से जो है जब एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो सारे वर्कर ही बन जाते हैं, क्वीन नहीं बनते। क्यों नहीं, इसलिए क्वीन इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि क्वीन ऑलरेडी एक है छत्ते में। तो आपने सुना होगा कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है, आपने ये भी सुना होगा कि एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। अगर गलती से कभी दो क्वीन हो गई इसमें, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें इस क्वीन में और इस क्वीन में जो है फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो बाद में जो जीतता है वही क्वीन उसमें रहता है।